जाने फतेहपुरी मस्जिद से जुड़ी कुछ खास बातें। फतेहपुरी मस्जिद चांदनी चौक की पुरानी गली के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह की बेगम फतेहपुरी ने 1650 में करवाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम फतेहपुरी मस्जिद पड़ा। धार्मिक मान्यता है कि ये मस्जिद कई धार्मिक वाद विवाद की गवाह रही है। Top 10, boost your knowledge every day. जिसमें हम फिल्म और खेलकूद की जानकारियों के अलावा बहुत सारे रोचक और अनसुलझे रहस्यों से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप 10 को। विशेषताएं: फतेहपुरी मस्जिद लाल पत्थरों से बनी है। मस्जिद के दोनों तरफ लाल पत्थर से बनी स्तंभों की कतारें हैं। इस मस्जिद में सफेद संगमरमर से बना एक पानी का कुंड भी है। फतेहपुरी मस्जिद दिल्ली की अकेली एकल गुबनदार मस्जिद है। बाहर से दिखने में ये बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन अंदर जाने पर इसकी विशालता का पता चलता है। इसके अंदर 7 विशाल मेहराब है। मस्जिद में दोनों एक मंजिला और दो मंजिला संरचनाओं मौजूद है। इतिहास: इस मस्जिद को लेकर कई दंत कथाएं हैं। साक्ष्यों के अनुसार अंग्रेजों ने फतेहपुरी मस्जिद को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद नीलाम कर दिया था। इसे रायलाला चुन्नामल ने मात्र 19,000 रुपए में खरीद लिया था, जिनके वंशज आज भी चांदनी चौक में चुन्नामल हवेली में रहते हैं। लाला के वंशजों को 4 गांव के बदले इस मस्जिद को पुनः सरकार ने अधिकृत कर मुसलमानों को दे दिया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस्लाम धर्म की प्रसिद्ध फतेहपुरी मस्जिद के बारे में। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टॉप 10 को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।